दोस्तों अगर बच्चे पैदा नहीं किया तो जापान खत्म हो जाएगा। जापान में 2023 में सिर्फ 7,58,631 बेबीज का जन्म हुआ है, यानी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने बच्चे एक साल में पैदा होते हैं उससे भी कम। देखिए इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह है जापान की 1/3 पॉपुलेशन 65 प्लस है। दूसरी वजह जो यहां के यूथ हैं भी वो शादी ही नहीं करना चाहते हैं। जापान में मैरिजेस के नंबर्स 90 ईयर्स में फर्स्ट टाइम घट करके 5 लाख से भी कम हो गई है, यानी साल 2023 में सिर्फ यहां के 4,89,281 लोगों ने ही शादी की है। जापान में बच्चे न पैदा करने के पीछे और जो मुख्य वजह है उनमें कंट्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिमिटेड स्पेस और लैक ऑफ चाइल्ड केयर सपोर्ट इन सिटीज शामिल हैं। जबकि जापान के लोगों के शादी ना करने के पीछे की वजहें लगभग वैसी ही हैं जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, यानी कि हाईली एजुकेटेड होने के चलते कैरियर फोकस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जापान में परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों अब आप ही सोचिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिस संकट से जूझ रही है, अगर वो यूं ही बरकरार रही तो इस देश की सुरक्षा के लिए ना तो जापान को सोल्जर्स मिलेंगे और ना ही काम करने के लिए वर्कर्स। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर जापान ने बच्चे नहीं पैदा किए तो वो खत्म हो जाएगा।